आपसे होगा क्या? फिर आप लाइनमैन का काम तो अंजाम दे सकते हैं। इसका रूल तो आप कुछ है ही नहीं लाइनमैन का, ये रूल तो आपको पता है। हाँ अगर आप लाइनमैन के लिए जाते हैं ना और अगर कैच पकड़ते तो मेरे तरफ से हर कैच पे 100 रुपये और फरमान घोटेकर की तरफ से भी 100 रुपये हर कैच पर। लाइनमैन जाते हैं तो हजार हजार क्या आतिफ की तरफ से भी 100 रुपये हर कैच पे, 300 रुपये मिलेंगे आप पर कैच पर। फैजान खान जा कहीं भी हो अंपायरिंग के लिए चले जाए फैजान जा। मसूद गजगे, मसूद गजगे, मसूद गजगे जरा अंपायरिंग का एक का एक एक मैच। ओके ओके तुम्हारा शुक्रिया बहुत बहुत शाइन स्पोर्ट्स क्लब की जान से। मानगांव, मानगांव ने टॉस जीता है, फील्डिंग करने का फैसला किया है और दावत दी है बल्लेबाजी की तुरील को। तुरील की जान से सलामी बल्लेबाज जाते हुए। मैं दोनों टीम से कह रहा हूँ कि अपना एक्स्ट्रा प्लेयर कमेंट्री बॉक्स में भेज दिया, अगर स्कोरिंग में अगर ऊंच नीच होती है तो उसके जिम्मेदार मैनेजमेंट नहीं रहेगी। सलामी बल्लेबाज है, स्ट्राइक पर रहेंगे मोहसिन और नॉन स्टैक पर है वाहिद और गेंदबाजी के लिए मानगांव एक्सप्रेस शुभम यादव। तो देखते हैं ये मैच आज के लीग का अंतिम मैच मानगांव बनाम तुरील। शुभम दौड़ना शुरू किया अंपायर को क्रॉस करते हुए, अच्छी गेंद थी उसको खेलना चाहते थे स्क्वायर लेग की जानिब लेकिन बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं हुआ, गेंद बदन पर जाकर लगी। चचा है मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और उनसे गुजारिश करता हूँ कि अपनी नशिस्त संभाले। शुभम और यहाँ पर कैच हो सकती है, देखते हैं 6 रन। एफर्ट तो बहुत अच्छा दिखाया था यकीनन बहुत ज्यादा। राइट ऑफ द विकेट दौड़ना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया और इस गेंद को उठाकर खेलने की कोशिश और यहां पर एक आसान सा कैच होता, बिल्कुल भी आसान कैच, कोई मुश्किल नहीं, इस तरह से पहला विकेट जाता हुआ। मोहसिन आउट हुए, शुभम को मिलने वाली सफलता। शुभम जो कि एक अच्छे गेंदबाज है, बहुत अच्छे गेंदबाज है, ऑलराउंडर खिलाड़ी है, आइकॉन प्लेयर है, अच्छा नाम है क्रिकेट में इस खिलाड़ी का, टेनिस क्रिकेट में बहुत अच्छा नाम है, ऊंचा नाम है और यहां पर मोहसिन को आउट किया उन्होंने। मोहसिन एक लंबा शॉट खेलने के चक्कर में वहां पर आउट हो गए, एक छक्का लगाकर आउट हो गए थे और इस तरह कुल मिलाकर स्कोर है 6 रन। कुल मिलाकर गेंदें भी हुई है 3-3 गेंदें 6 रन। पहली गेंद पर कोई रन नहीं, दूसरी गेंद पर 6 रन, अच्छा वहां पर एफर्ट लगाया था जहां पर वो 6 रन मिले थे
मोहसिन और दूसरे वहाँ पर थे, वो लोग वहाँ पर अच्छी कोशिश कर रहे थे, लेकिन 6 रन मिले। अच्छा एफर्ट अच्छा था, बहुत अच्छा, कोशिश बहुत अच्छी की गई थी। राइट आर्म ओवर द विकेट, शॉट है, अच्छा शॉट है, बेहतरीन शॉट है, खूबसूरत शॉट है, और इस तरह से अंपायर का इशारा। स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा, 5 गेंदे हुई, 5 या 4 गेंदे हुई, 4 गेंदों में 10 रन बनाए, 1 सफलता मिली है वहां पर, जबकि नए बल्लेबाज वहां पर मुसद्दिक आए खेलने के लिए, आते ही 4 रन के साथ अपना खाता खोला यहां पर। अच्छा मुकाबला यहां पर देखने मिलेगा, दोनों टीमें मजबूत और मुस्तकम है, दूर दूर से आई भी टीमें रहती है इस टूर्नामेंट में, कल भी हम देखेंगे। अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, अच्छी ऊंचाई वहां पर उछाल लेती हुई गेंद थी, बहुत अच्छी गेंद थी, मिडिल सबसे उठी हुई सीधे विकेट कीपर के पास चली गई, कोई रन कोई नुकसान नहीं, फिर से अपने बॉलिंग मार पर जाते हुए शुएब जो कि विकेट कीपर है यहाँ पर, और अच्छी टीम है मानगांव की टीम, एक अच्छी लय में जाती है, अच्छी फ्लो में जा रही है टीम, और अच्छी खासी टीम में अगर नज़र डाले, प्लेयर्स के ऊपर नज़र डाले तो एक मजबूत टीम है, बहुत ही अच्छी टीम है, तुरिल एक अच्छी टीम जो अपने इलाके की एक मजबूत टीम है, लेकिन इस बार एक शॉट जरूर खेला है, देखना है उसके नीचे खिलाड़ी है, गेंदबाजन के बाहर 6 रन, कोशिश की थी लेकिन उनकी कोशिश काम नहीं आई, काफी दूर था उनसे। तो इस तरह से अब शुभम की ओर में काफ़ी ज़्यादा रन गए, शुभम ने 16 रन दिए जो कि प्रमुख गेंदबाज है इस टीम के, अहम गेंदबाज है, लेकिन उनके गेंदबाजी में अगर 16 रन जाते हैं, 4-4 ओवर का मैच है, 4 गेंदबाज इस्तेमाल होंगे, तो उनके अगर प्रमुख गेंदबाज में अगर 16 रन बने तो तुरिल की एक बहुत बेहतरीन शुरुआत मानी जाएगी उसमें, क्योंकि तुरिल के पास एक बैटिंग लाइनअप के ऊपर अगर नज़र डाले तुरिल की तरफ से, तो एक अच्छी बैटिंग लाइनअप है तुरिल के पास, तो एक अच्छा मुकाबला देखने मिलेगा, बैट और बॉल के बीच में एक अच्छा संघर्ष देखने मिलेगा। मानगांव की तरफ से दूसरी ओवर के लिए आमंत्रित किया जा रहा है रिहान को, रिहान आ रहे गेंदबाजी के लिए शुभम के बाद, शुभम काफ़ी सालों से गेंदबाजी करते हैं, बल्लेबाजी करते हैं, अच्छे खिलाड़ी, अष्टपैलू खिलाड़ी है, एक आध मैच में कुछ ज़्यादा कम ज़्यादा होते रहता है, वो तो एक अच्छे अच्छे खिलाड़ियों के साथ भी होता है, इसीलिए तो क्रिकेट की अच्छाइयाँ है कि जो आपका अच्छा खिलाड़ी कभी किसी टाइम फेल हो जाता है, कभी हीरो कभी जीरो, और यही चीज़ इस क्रिकेट में चलती रहती है, क्रिकेट की तरह रंग बदलते रहता है, क्रिकेट कभी किसी को हीरो बना देता है, कभी किसी को जीरो बना देता है, हमने मार के मैच में देखा, पहले मैच में 50 बनाने वाला खिलाड़ी टेम्पाला के सामने पहली बॉल पर आउट हो जाता है, तो यही क्रिकेट है, और क्रिकेट की यही चीज़ देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। राइट आर्म ओवर द विकेट, आप हमसे काफ़ी ज़्यादा बाहर छोड़ दिया था वहाँ पर, लेकिन 22 के रूप में जब तक अंपायर का इशारा था 1 रन जरूर मिलेगा, तो तजम्मुल सर वहाँ पर अपने बाहें खोलते हुए हाथ फैलाते हुए बता दिया कि ये गेंद जो नियमों के हिसाब से गेंद सही नहीं, जिसे वाइट करार दिया जाता है, और वाइट गेंद करार दिया, एक वाइट और एक 22, 2 रन मिले थे, 2 रन के साथ स्कोर बढ़ोतरी, स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुँचा है 18 रन, 18 फॉर लॉस ऑफ 1 विकेट, सेकंड ओवर इन प्रोग्रेस बाय रिहान, रिहान पहली गेंद जो दिशाहीन गेंद फेंकी थी, सही दिशा के साथ गेंदबाजी करनी पड़ेगी, अगर आप एक अच्छे गेंदबाज हैं तो सही दिशा सही लंबाई के साथ अच्छी एरिया में गेंदबाजी करनी पड़ेगी, एक शॉट इसका लिख लिया उन्हें अंपायर है वहाँ पर, लेकिन राइट आर्म ओवर द विकेट, दौड़ना शुरू किया, लेकिन ऑप्शन से अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, ऑप्शन से बाहर जाती हुई गेंद, अपने कलाई के सहारे इस गेंद को अंदर की तरफ मोड़ दिया था वहाँ पर, इस गेंद की जो स्विंग थी उसको नहीं समझ पाए, गेंद की लाइन में जरूर आए थे लेकिन जैसे वो स्विंग होकर चली गई थी, जब वहाँ पर बैट घूमी थी तो बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं हो सका, सीधी गेंद विकेट कीपर के पास चली गई, कोई रन कोई नुकसान नहीं, फिर से अपने बॉलिंग मार पर जाते हुए पहली गेंद फेंकी, रिहान ने कोई रन नहीं दिया, पहली वो वाइट गेंद फेंकी थी जिसमें 2 रन मिले थे, फिर से एक मार दबा, लेकिन इस बार जो लो फुल टच गेंद होती हुई लॉन्ग ऑन की तरफ खेल दिया है, और लॉन्ग ऑफ कर अच्छी फील्डिंग, वहाँ पर गेंद उनके शरीर के ऊपर आई थी लगभग, उन्हें अपने चेहरों की तरफ जाती हुई गेंद को वहाँ पर लपक लिया था, इस मिला कुल मिलाकर अच्छी फील्डिंग मानी जाएगी, क्योंकि चेहरों की तरफ आनी हुई गेंद को फील करना आसान नहीं होता, और अच्छी फील्डिंग वहाँ पर, अच्छी निगाहें जमाई रखी थी वहाँ पर, तो एक अच्छा ऑलराउंड खिलाड़ी ऑलराउंड क्रिकेट यहाँ पर देखने मिल रहा है, चाहे मानगांव की टीम हो तुरिल की टीम हो, दोनों बहुत ही अच्छी टीमें, मजबूत टीमें हैं, एक दूसरे से बढ़कर है, कोई किसी से कम नहीं है,
दोनों एक ही शैली के खिलाड़ी है, टीम है, तो एक अच्छा मुकाबला देखने मिलेगा। राइट आर्म ओवर द विकेट, अहो शॉट तो अच्छा है, लंबा कितना है, ऊंचाई है, लंबाई नहीं है उसमें, और अच्छी कैच, अच्छी कैच, ऊंचाई ज्यादा थी। हमें पहले ओपनर ज्यादा आया कर रहे थे टीम में, अभी थोड़े से टू डाउन में आए हैं, तो दो खिलाड़ी आउट होने के बाद आए यहाँ पर। हमारे इब्राहिम भाई भी आए खेलने मैच देखने के लिए, तो वो लगातार दो तीन दिन से यहाँ पर है, तो एक टूर्नामेंट का तीसरा दिन है, कल अंतिम दिन रहेगा, आखिरी दिन रहेगा टूर्नामेंट, जो 1 लाख रुपये इसके लिए रखी गई है शाहीन गोरेगांव की तरफ से, 1,50,000 और 15,000 के दो इनाम, तीसरा और चौथा रहेगा। एक अनाउंसमेंट जो यहाँ से किया गया था कि तीन टीमें जो सेमीफाइनल में पहुँचेंगी उसका एक वीडियो बनाकर रायगढ़ ग्रुप में डाला जाएगा, शाम में रात में बनाकर वो जाएगा, उसमें से दो टीमें जो आपस में सेमीफाइनल खेलेंगी, एक टीम जो बचेंगी वो ओपन के ग्रुप में से जो टीम आएगी उसके साथ सेमीफाइनल खेलेगी, लेकिन उस टीम के लिए अनुमति रहेगी कि वो चार खिलाड़ी आइकॉन प्लेयर ले सकती है अगर चाहे तो। 1 लाख के लिए टूर्नामेंट चल रहा है ये। धीमी गति से फेंकी हुई गेंद थी, लो फुल टॉस गेंद थी, सही फेम उसका फायदा नहीं उठा सके, स्क्वायर लेग पर चली गई है, डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री से फील्डर आकर फील्ड करके थ्रो करता, दोनों ने अपने अपने छोर बदल लिए थे 1 रन के लिए, और 1 रन संतोष रहना पड़ेगा इस 1 रन के साथ। स्कोर ओवर 3, स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा इसी के साथ, स्कोर स्कोर 20 रन। हर किसी बातचीत वहां पर चलती हुई अंपायर और खिलाड़ी के बीच में, और फिर अंपायर तंजमान ने उन्हें बता दिया जो भी बात है, फिर से एक मरतबा खेल शुरू होने की तैयारी में रियान। तो मैं बता रहा था कि यहां पर टूर्नामेंट में जो तीन टीमें जो सेमीफाइनल में पहुंचेंगी उन तीन टीमों का जो वीडियो बनाया जाएगा, टॉस यानी चिट्ठिया उड़ाकर जिस तरह से जो भी मैनेजमेंट अपने तरफ से वो निर्णय ले उस तरह से उनको बताया जाएगा कि कौन सी दो टीमें जो है जो विलेज टू विलेज सेमीफाइनल खेलेगा और एक टीम जो है वो ओपन के साथ खेलेंगी। आज शाम में वो वीडियो बनाकर भेजा जाएगा। क्या चाहिए वहाँ पर, ये नहीं है यहाँ पर, आप रिव्यू नहीं है इसके लिए, रिव्यू नहीं है उसके लिए, जो भी अंपायर का फैसला आएगा वही माना जाएगा, अंपायर का फैसला ही माना जाएगा, बाकी रिव्यू नहीं है इसके लिए। मसूद है शायद वहाँ पर, काफ़ी क्रिकेट का अनुभव, लंबा अनुभव उनके पास, काफ़ी क्रिकेट खेला है उन्होंने। अच्छी गेंद, बढ़िया गेंदबाजी रिहान की तरफ से, हालांकि इस बार अच्छी फील्डिंग भी, बहुत तेज तर्रार फील्डिंग वहाँ पर देखने मिली, वेल डन, वेल फील्डिंग, अच्छी फील्डिंग, बहुत अच्छी फील्डिंग, रन बचा है। दूसरा रन के लिए इरादे जो कर रहे थे वो अपने इरादे को वापस लेना पड़ा दोनों खिलाड़ियों को, और इस तरह से पहली ओवर में 16 रन बने थे, 1 विकेट मिला था, दूसरी ओवर में यहाँ पर रन बने हैं अभी तक 21 रन बने, यानी 5 रन खर्च किए 1 वाइड के साथ, यानी पहली गेंद पर। राइट आर्म ओवर द विकेट, फुल टॉस गेंद, ऑफ स्टंप से बाहर जाती हुई गेंद, अंपायर ने उसे वाइड घोषित किया है। हालांकि रिहान थोड़ी, जब गेंदबाजी के ऊपर अगर नजर डाला जाए तो रिहान की गेंदें थोड़ी सी विवादित रही है, ऑफ स्टंप के बाहर, फिर एक फुल टॉस बॉल थी जिसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा हुई थी, फिर एक बॉल जो के लो फुल टॉस बॉल थी उस पर मारा नहीं है, तो एक साधारण गेंदबाजी नजर आ रही है, रन जरूर नहीं बन पा रहे, खुशकिस्मत है वो। ये गेंद फिर से एक मरतबा इस गेंद को खेला है वहां पर, मिड विकेट के ऊपर एक खिलाड़ी मौजूद है, जब तक वापिल करके थ्रो करता और विकेट मिलेगा बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि वहां पर एक दूसरे के इसमें तालमेल नहीं था, बिल्कुल भी तालमेल नहीं था। धूप में वहां पर अच्छे कैमरे का काम कर रहे न्यू बैट्समैन दानिश,
हमारे कैमरा मैन जो है वो मंदार शिरके है, जो कैमरा कर रहे हैं लगातार धूप में वहाँ पर बैठ रहे, तीन दिन से अच्छी ऑफर आपको मैच दिखा रहे हैं मंदार शिरके। हाँ आज दोनों अलग आए, ये दोनों आज अलग है। इसमें यहाँ पर देखा जाएगा तो कैच है, कैच आउट है। तालमेल नहीं है, विकेट गंवाना पड़ा। फिर दूसरी बॉल पर, वेरी नेक्स्ट बॉल पर वहां पर आउट हो गए थे। रिहान जियाद सूरज गेंदबाजी करते हुए, पहली गेंद पर विकेट मिला, सफलता मिली सूरज को। तीसरी ओवर स्कोर अच्छा नहीं है, अगर देखा जाए तो स्कोर है सिर्फ 23 रन, 23। पहली ओवर में 16 रन बने थे। ओ अच्छी गेंद, बहुत तेज तर्रार गेंद थी, अंदर की तरफ आती हुई, रिस्क के सहारे अंदर लिया था बॉल, बहुत तेजी के साथ विकेटों से और बैट के करीब से गेंद निकलते हुए विकेट कीपर के पास चली। हालांकि वर्टिकल बैट से उसको खेलना चाहते थे, गेंद की लाइन में नहीं आए, शरीर से दूर से उसको खेला और यही कारण है कि बैट के बॉल के ऊपर हावी नहीं हुए। कोई रन कोई नुकसान नहीं, अभी भी इसको रुका हुआ 23 रन। तो अच्छा वापसी की मानगांव की टीम ने, पहली ओवर में 16 रन जाने के बाद एक अच्छी शुरुआत जरूर मिली थी तुरील की टीम को, लेकिन दूसरी ओवर में रिहान ने रन नहीं दिए। अच्छा शॉट है लेकिन उसके नीचे खिलाड़ी और कैच नहीं हुई। एक रन मिला, दूसरा रन खतरे से खाली तो नहीं है, लेकिन देखना यह है कि दूसरा रन मुकम्मल। दो रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा 25 रन, 25 रन। इसी के साथ यहां पर विकेट मिलता हुआ, विकेट बाद दिगर विकेट जाता हुआ, तो तुरील काफी परेशान नजर आ रहे, बहुत स्थिति अच्छी नहीं है। पहला ओवर अगर छोड़ा जाए तो अब तक तुरील ने वापसी नहीं किए, पहली ओवर में कुछ रन बने थे और वो भी अच्छे गेंदबाज पर रन बने, क्योंकि हमारे इलाके का एक अच्छे गेंदबाज है, बहुत अच्छा गेंदबाज है, लेकिन यही होता है कभी अच्छे गेंदबाज नहीं चलते और फिर उनसे थोड़े से खालो खाल जो गेंदबाज है वो चलते थे, तो यही क्रिकेट है, क्रिकेट में ये चीजें होती रहती है। एक टूर्नामेंट का अनाउंसमेंट है, तोराडी में एक टूर्नामेंट है 23-24, 25-26 तोराडी में। 1,00,000 रुपये उसका पहला प्राइज है, 50,000 दूसरा प्राइज है, थर्ड और फोर्थ 10,000 है। और अंतिम दिन यानी 26 तारीख को जो मैचेस होंगे वो आईपीएल लीग पर होंगे, यानी चार खिलाड़ी बाहर लेकर जो टीम ओपन नहीं रहेंगे, आईपीएल के तर्ज पर रहेंगे आखिरी दिन वाले, बाकी तमाम टीमें जो है तीन दिन जो है वो विलेज टू विलेज रहेगा। तो इस तरह से लेग स्टंप छुटी हुई गेंद थी, इसको खेलना चाहते थे, लपेटना चाहते थे, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क न हो सका, इस तरह से कोई रन नहीं। अच्छी वापसी की वहां पर टीम ने, बहुत अच्छी वापसी की, पहली ओवर में 16, दूसरी ओवर में रिहान ने रन दिए थे 7। दोनों इनिंग में, दोनों ओवर में विकेट मिला था और यहां पर सूरज को भी विकेट मिला। सूरज ने अब तक सिर्फ 2 रन खर्च किए 5 गेंदों में। आखिरी गेंद, वेल बॉलिंग, बहुत बढ़िया, सिर्फ 2 रन दिए 5 गेंदों में, क्या गेंदबाजी की है। और यहां पर शायद ये विकेट मिल सकता है शुभम, नहीं विकेट तो नहीं, लेकिन 1 रन मिलेगा और 1 ही रन से संतोष रहना पड़ेगा। 3 रन दिए आपने ओवर में, वेल फील्डिंग, वेल थ्रो, अच्छा थ्रो, सीधा शोएब के हाथ में। इस तरह से ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति पर तुरील को बैकफीट पर ढकेलता हुआ तुरील का स्कोर जा पहुंचा है 3 विकेट के नुकसान पर 26 रन, 26। स्कोर ज्यादा नहीं, आखिरी ओवर आना शेष।
अफाक, गेंदबाज है अफाक। अब अफाक गेंद किस तरह से करेंगे वो देखेंगे, क्योंकि सूरज अच्छी गेंदबाजी की, बढ़िया गेंदबाजी की, सिर्फ 3 रन दिए सूरज ने, क्या गेंदबाजी की है, खूबसूरत सी गेंदबाजी थी सूरज की। राइट आर्म ओवर द विकेट, अजीब और गरीब क्रिकेट, किधर कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, बॉल किधर थी, बैट किधर था, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी गलत क्रिकेट। लंबा शॉट खेलना चाहते हैं, हर बॉल बैट पर आए ऐसे ज़रूरी नहीं है कि वो छक्के पे चले जाए, सिंगल लेना हम भूल जाते हैं क्रिकेट जब खेलने उतरे तो उतरते तो, इसमें से जो भी टीम जीतेगी उसको ओवर के साथ मैच खेलना है, सेकेंड राउंड का मैच, और उसमें से जो जीतेगा वो टेम पाला के साथ खेलेगा। अब बैट को बॉल तो लगी है लेकिन रन कितने मिलेंगे, 1 रन। आखिरी ओवर है अफाक का, अफाक गेंदबाजी करते हुए अब तक उन्होंने 2 गेंदे फेंकी, 1 रन दिया है, तुरिल का स्कोर धीमा जा रहा है, बहुत धीमा स्कोर है। अगर स्कोर 40 के आसपास होता है तो फिर मैच में एक रोमांच आएगा, एक अच्छी फाइट देखने मिलेगी, उम्मीद कर सकते हैं जिसकी। ओहो अच्छा शॉट, बेहतरीन शॉट आया है, 6 रन। और राइट आर्म ओवर द विकेट अफाक, फिर से एक मरतबा ऑप्शन से बाहर जाती हुई, अच्छा शॉट है, बेहतरीन शॉट है, ऑप्शन से बाहर जाती हुई कवर के ऊपर से, 4 या 6 रन। चालीस या 40 के थोड़ा पार जाता है तो फिर मैच एक रोमांच बरकरार रहेगा, अच्छी गेंदबाजी अगर होती है तो एक मैच में रोमांच देखने मिल सकता है, लेकिन हमने देखा यहाँ पर 75 रन को चेस करते हुए भी देखा है, इस ग्राउंड के ऊपर 75 रन चेस किया था महार की टीम ने, लेकिन वही महार की टीम हार कर चली गई। इस बीच यहाँ पर 4 रन दोनों के बीच में से चला गया था, मौसिक थे, शुभम थे, राइट आर्म ओवर द विकेट। हा शॉट है, क्लास है, व्हाट अ फिनिश, क्या फिनिश किया आपने, स्टाइल में फिनिश किया है, वेल डन।
5 रनों पर पहुंचा दिया शुभम ने। जैसे ही देखा हल्का सा रूम है, कवर पर एक फील्डर है, उसके बावजूद वहां पर खेला उन्होंने। अच्छी गेंद, अच्छी फील्डिंग, अच्छी गेंद, अच्छी फील्डिंग। शॉर्ट मिड विकेट के ऊपर एक फील्डर है, यहां पर आकर फील्ड करके थ्रो करते, अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो, तो कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अच्छा जा रहा है मैच, तनवीर है शायद वो फील्डर है वो, राइट अंपोर द विकेट। हा शॉट है ये, आपने बिल्कुल रूम दे दिया उनको, पूछा कितना लंबा खेल सकते हैं आप, खराब गेंद थी बिल्कुल। तो यहां पर एक खराब गेंद थी और सही पनिशमेंट, क्या शॉट खेला वहां पर, रुक कर खेला, इंतजार किया, अच्छा शॉट सिलेक्शन है इस खिलाड़ी के पास, वेल डन, वेल प्लेड, अच्छा खेल। आपने देखा होगा इसको किस तरह से रुक कर खेला शुभम ने, शुभम के पास एक अच्छी क्रिकेट है, टैलेंट है इस खिलाड़ी के पास। राइट ओवर द विकेट, ये थोड़ा सा उत्साहित होकर खेला इन्होंने, ये जल्दबाजी में खेला, ये थोड़े कुछ गलतियां होती है अक्सर बेशतर। आसिम बोलता हूं इसके बाद, राइट अंपायर द विकेट, आसिम गेंदबाजी करते हुए, अच्छा संघर्ष चल रहा है बैट और बॉल के बीच में, एक अच्छा संघर्ष देखने में रहा है, कभी बैट बैट हावी तो कभी बॉल हावी, इस बीच यहां पर एक कैच हो सकती है, बिल्कुल शुभम का विकेट, बड़ा विकेट आसिम को मिलता हुआ, जरूरी था दुरील के दृष्टिकोण से विकेट, और शुभम आउट बैक टू द पवेलियन। है इस वक्त 11 रन एक विकेट के नुकसान पर, पहली ओवर की समाप्ति, पहली ओवर की समाप्ति पर अगर नजर डाला दोनों टीम के ऊपर तो वहां पर 16 रन थे, यहां पर 11 रन है। दूसरी ओवर में 7 रन दिए थे रिहान ने और तीसरी ओवर में 3 रन सिर्फ दिए थे सूरज, लेकिन आखिरी ओवर को अगर याद करेंगे मानगांव तो थोड़ा सा दुख हो जाएगा कि वहां पर रन ज्यादा गए थे, आफाक की ओवर में उन्होंने 20 रन दिए थे, 20 या 23 रन देते, सॉरी 23 रन। तनवीर हमारे सामने हैं जो कि एक वक्त में एक अच्छे खिलाड़ी थे तुरिल के टीम के, वहूर के कैप्टन रेडी रहे क्योंकि जो भी टीम यहां पर जीतती है उसके साथ उनका राउंड होगा, फौरन फौरन होगा, तो दानिश आए गेंदबाजी के लिए, दानिश गेंदबाजी करेंगे, सामने है उनके आदिल और नॉन अटैक पर है आदेश, क्या आदेश आदेश दे कर गए हैं मालूम नहीं है क्या आदेश है टीम का उनके लिए, लेकिन यहां पर एक अच्छी गेंदबाजी की जरूरत है तुरिल के लिए। ओहो पैड को लगती हुई गेंद, लेकिन यहां पर कोई रन तो नहीं मिलेगा, आदिल थोड़ा सा स्क्वायर जाकर उसको खेलने, क्रॉस द एंगल के परफेक्ट नहीं उसको कहते, थोड़ा सा क्रॉस जाकर उसको खेलना चाहते थे और इस तरह से गेंद उनके बैट पर नहीं आई, पैड पर लगी, थोड़ा सा मिस कर बैठे वहां पर और गेंद उनके पैड को लगी, कोई रन कोई नुकसान नहीं। फिर से अपने वॉलिंग मार पर दानिश, 11 रन बने हैं, 49 रनों का लक्ष्य दिया है, आखिरी ओवर में 23 रन बने थे, उसका थोड़ा सा लाभ मिलता हुआ तुरिल को, अच्छा शॉट, अच्छा शॉट है, अच्छा टाइमिंग है, अच्छा क्लास, वेल शॉट, 6 रन आदिल के बंदे पर अगर बॉल,
17 रन बॉल दिए जाए वहां पर, क्योंकि ये एक बड़ी टूर्नामेंट है, 1,00,000 रुपए के लिए टूर्नामेंट शाहीन गोरेगांव ने जो रखी है। काफी लोग यूट्यूब के माध्यम से इस मैच को देख रहे हैं, देख रहे हैं आप सामने वक्तन फक्तन ट्रॉफी भी आपको शायद यूट्यूब के माध्यम से दिखाई जाएगी ये ट्रॉफी, कि कितनी बड़ी ट्रॉफीज है ये, वो भी आप देख सकते हैं आप यूट्यूब के माध्यम से कितनी बड़ी ट्रॉफीज रखी हुई है। और ये ट्रॉफी दिखाया रह रहा है हमारा कैमरा में भी इतना एक्टिव है, वेल डन मंदार शिरके दिखा रहे हैं बिल्कुल। तो फिर से हम मैच की तरफ लौटते हैं, दानिश गेंदबाजी करते हुए दौड़ना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया, अंपायर के बगल में से निकलने के बाद इस गेंद को हल्के हाथ से वहां पर खेल दिया, जब तक वहां से पिन करके थ्रो करते हैं, एक रन मिलेगा। और यहाँ पर खराब गेंद थी। स्कोर जहां पहुंचा है इस वक्त 23। अच्छी गेंद, अच्छा शॉट, एक रन के लिए जरूर है वहां पर, जब तक फहीम फील करके थ्रो करते एक ही रन मिलेगा, एक रन के साथ स्कोर जहां पहुंचा है 24। दूसरी ओवर है ये और अब तक कुल मिलाकर 50 रनों का टारगेट मिला है, 50 रनों का टारगेट चेस करना है इस टीम को। चार गेंदे हुई है ना, चार, एक गेंद, अच्छी गेंद थी, हल्के हाथ से वहां पर खेल दिया, जब तक कि वहां पर पॉइंट के ऊपर फील्डर जब तक फील्ड करके थ्रो करते, दोनों ने बहुत ही पुराने अनुमान के साथ अपने अपने छोर बदल लेते, एक रन के लिए, एक रन के साथ स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा इसी के साथ 25 रन, 25 यानी आधा टारगेट प्राप्त कर लिया, अब आधे की जरूरत है। हालांकि गेंदे उतनी ही बची है जितने में उन्होंने यहां पर रन बनाए थे, गेंदे अब भी बची है, दो ओवर बचे और एक गेंद, यानी कुल मिलाकर 13 गेंदे बची है, 11 गेंदों में 25 रन बनाए हैं, अब 13 गेंदों में 25 रन बनाना है, यानी लगभग आधा सफर तय हुआ है। आखिरी गेंद, फुल लेंथ गेंद, अच्छी गेंद, अच्छा शॉट भी अच्छा था, बहुत अच्छा प्लेसमेंट अच्छा था, खूबसूरत शॉट, 4 रन के लिए, खूब पहुंचा है 29 रन, और इस तरह अब दो ओवर का खेल बचा है, 29 रन हो चुके हैं, 50 रनों की जरूरत है, 12 गेंदे 21 रन, 21। थैंक यू कौस्तुभ, कुछ जानकारी जो बॉल और बीच के बीच में गेंदों के बीच में जो जानकारी है वो हमारे स्कोरर के जरिए हम आप तक पहुंचाते, उसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा कौस्तुभ और अब्दुल रहमान का, इन दोनों के सौजन्य से ये स्कोर और ये जो रन और जो कुछ भी बताया जाता है इन दोनों की वजह से ही आप तक मैं पहुंचाने में सफल रहा हूं, तो इसके लिए अब्दुल रहमान और कौस्तुभ इन दोनों का धन्यवाद। गेंदबाजी में परिवर्तन होता हुआ, गेंदबाज है जियाद है गेंदबाजी, देख रहे हैं किस तरह से जियाद गेंदबाजी करते हैं, हालांकि मैच जो है अभी भी संतुलित है, बराबरी पर है, अभी भी मैच है, मैच किसी पक्ष में भी जा सकता है, ये अगर इस तरह से आउट होते हैं तो आउट करार दिए जाएंगे आप, क्योंकि नियमों के हिसाब से आउट हो जाएंगे अगर क्रीज के बाहर जाते हैं, चाहे एक्शन कैसा भी हो गेंदबाज का, तो फिर आपको वो जोखिम उठाना आप चाहते हैं तो आप कर सकते हैं इस तरह की गलतियां। तजम्मुल और मसूद वहां पर अंपायरिंग का काम अंजाम दे रहे हैं, ये खराब गेंद थी, बिल्कुल भी खराब गेंद थी, लेकिन उसमें रन नहीं मिले ज्यादा, खुशकिस्मत रहे ये हाथिल भी अपने आप को कोसते होंगे, क्योंकि मैं वहां पर गैप ढूंढने में कैसे सफल न रहा, इतनी खराब, लेकिन थोड़ी धीमी गति से गेंद थी, ये भी एक मसला था आदिल के लिए, शायद गैप काफी बड़ा था वहां पर, बहुत बड़ा गैप था, उसके बावजूद इस गेंद को खेला गया था वहां पर लॉन्ग ऑन के क्षेत्र। आजान
नो बॉल ना, नो बॉल अंपायर का इशारा। तो इस तरह से मैच बिल्कुल भी तुरिल के पक्ष से यहाँ पर निकलता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से यहाँ पर जियाद गेंदबाजी कर रहे हैं बिल्कुल भी अलग गेंद, बिल्कुल एक ये बॉल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। फिर से एक बार दबा नो बॉल, और शायद फिर अभी ये नियमों के हिसाब से गेंदबाजी के लिए परेशानी है इनको, फिर ये गेंदबाजी नहीं कर सकते ना। डीमर जब लगातार दो गेंदे फेंक रहे हैं तो फिर ये गेंदबाजी नहीं कर सकते हैं नियमों के हिसाब से जियाद ने। तो स्कोर भी है जो मानगांव के पक्ष में जाता हुआ, मानगांव की मैच आसानी से जीत होती हुई कुल मिलाकर स्कोर हुआ है 39 रन, 10 रन 11 रन चाहिए। आप फहीम आए गेंदबाजी करने के लिए जियाद के बदले फहीम। अभी भी मैच बचा है, गया नहीं है, मैच को संघर्ष करते हुए मैच में वापसी करने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन मानगांव नहीं चाहेगी कि मैच को आसानी से लिया जाए। आदिल अभी भी क्रीज पर मौजूद है, अच्छा शॉट है, 6 रन, वेल डन, वेल शॉट, 6 रन। अब 4 रन चाहिए सिर्फ मैच जीतने के लिए। मैच दूर नहीं है अब मानगांव से, बिल्कुल भी मानगांव के पक्ष में मैच आता हुआ। ये दूसरा सिक्सर है आदिल का, आदेश ने भी एक सिक्सर, दो चौके लगाए और 13 रन बनाए, सॉरी क्या बोला, वाउर, वाउर के कैप्टन यहाँ पर तैयार रहे वाइट बॉल। तो इस तरह से 16 रन बनाए आदेश ने, 15 रन बनाए आदिल ने। ऑफ्रेम से बाहर जाती हुई गेंद लगातार वाइड पर वाइड और नो पर नो और खराब गेंदबाजी। तुरिल को गेंदबाजी क्षेत्र काफी वीक नजर आया इस मैच में, बहुत ही कमजोर नजर आया, गेंदबाजी बिल्कुल भी अच्छी नहीं नजर आई। एक पहला और दूसरा ओवर कुछ हद तक थोड़ा ठीक रहा और यहाँ पर इसी के साथ मैच को जीत लिया इस छक्के के साथ। अपने स्टाइल में मैच को फिनिश किया आदिल ने, 4 रनों के साथ इसको मैच जीत लिया है यहाँ पर तुरिल के विरुद्ध। हार्ड लक तुरिल, कांग्रेचुलेशन मानगांव की टीम। तो इस तरह से तुरिल एक तरफा मुकाबला हारती हुई, बिल्कुल मैच में कोई फाइट ही नहीं किया तुरिल ने, कोई ऐसा लगा नहीं तुरिल की तरफ से कि एक अच्छी टीम का मुकाबला अच्छी टीम कर रही हो। मैन ऑफ द मैच है वो सूरज है, सूरज मैन ऑफ द मैच। जीशान करदेकर यहां पर मैन ऑफ द मैच का अवार्ड देंगे सूरज को, जीशान करदेकर, सूरज को मैन ऑफ द मैच।